नमस्कार, स्वागत है आप सबका अदितिस क्विजन में। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इजी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ, पिज्ज़ा स्नैक की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ओवन या फिर ओटीजी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। और अब आते हैं इन्ग्रीडियंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनैको बिस्किट लिया है हमने, एंड ये अमूल का क्यूब वाला चीज़ लिया है, वेज मेयोनी ली है, पिज़्ज़ा टॉपिंग ली है, और टोमेटो सॉस लिया है, चिली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो। शुरुआत करते हैं मोनाको बिस्किट लेने से। एक प्लेट में आपको जितने भी अमाउंट में ये स्नैक बनाना हो आप उसको प्लेट में इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। इस वीडियो में आपको ये स्नैक दो अलग अलग टेस्ट का बना के दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने दो अलग अलग प्लेट्स में बिस्किट को अरेंज किए हैं। पहला हम बनाएंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग से और दूसरा हम बनाएंगे टोमेटो सॉस से। तो शुरुआत करते हैं पहला वाला। तो ये हमने पिज़्ज़ा टॉपिंग लिया है, इसको हम बहुत ही कम अमाउंट में बिस्किट पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी बहुत ही छोटे साइज़ के हैं तो इसीलिए हमने बहुत ही कम अमाउंट में, आप देख सकते हैं, इतना ही अप्लाई किया है। और सेम अमाउंट में हम वेज मेयोनी भी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो एग वाली मेयोनी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये टोटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। अभी हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इवनली बिस्किट पर स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पे अच्छे अमाउंट में चीज़ ऐड करेंगे। और लास्ट में ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे एज पर टेस्ट। और अब ये ओवन या ओटीजी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको ओटीजी में बेक कर रहे हैं तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मिनट के लिए बेक करिएगा और सिर्फ ऊपर वाला रॉड ऑन रहेगा। और अगर आप ओवन में इसको बेक कर रहे हैं तो आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 मिनट के लिए इसको टाइमर लगा के बेक करिएगा। तो जब तक ये बेक हो रहा है, देखिए ऊपर वाला रॉड ही सिर्फ ऑन किया है ओटीजी का, नीचे वाला रॉड ऑफ है। 1 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये हमारा यमी सा पिज़्ज़ा स्नैक बिल्कुल रेडी है सिर्फ 1 मिनट में। तो इसको हम जल्दी से प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको रखते हैं साइड में और अब हम दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले वेज मेयोनी अप्लाई करेंगे और इसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पे टोमेटो सॉस थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे, पिज़्ज़ा टॉपिंग से या फिर टोमेटो सॉस से, दोनों से ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस स्नैक का। और आप दोनों ही बना के ट्राई करिएगा, आपको दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अब हम इस पे अच्छे अमाउंट में चीज़ ऐड करेंगे ग्रेट करके। चीज़ हमें इतना ही ऐड करना है जितना बिस्किट अच्छे से कवर हो जाए। और अब लास्ट में एज पर टेस्ट ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स। ओरिगैनो की जगह पे आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब भी ऐड कर सकते हैं। और फिर से हम उसी बेकिंग ट्रे पे ऐड करेंगे इस बिस्किट्स को भी। और फिर से हम ओटीजी में 1 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर वाला रॉड ऑन करके बेक कर लेंगे। और अगर ओवन में करना हो तो 2 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा
दूसरे टेस्ट का भी पिज़्ज़ा स्नैक बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम गर्मा गर्म टी या फिर कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे अपने गेस्ट को। छुट्टी के दिन आप अपने बच्चों के लिए भी ये स्नैक बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये स्नैक को खा के। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।